Good morning students. Today's lecture we will see some more examples related to horizontal projectile motion. देखिए जैसे यहाँ पर first MCQ देखिए, ratio between maximum range and square of time of flight in projectile motion is. Okay, ratio between maximum range. Now for maximum रेंज, ओके मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब मैक्सिमम रेंज होती है ना, तो थीटा यहाँ पर 45 लेना है. अब हमें मैक्सिमम रेंज ओके एंड टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आर मैक्स अपॉन टी, इसका रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है. तो पहले फार्मूलेज देखिए, आर मैक्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये तो जनरल फार्मूला है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय, यस फार्मूला क्या होता है इसका, डिवाइडेड बाय ओके डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. ठीक है, अब रेशियो क्या लेना है यहाँ पर, आर मैक्स देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वेयर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ पर टी स्क्वेयर होगा. ओके तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वेयर क्या होगा, 2 का स्क्वेयर 4 यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर. ओके अब इसका रेशियो लेते हैं हम, आर मैक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर. राइट, आर मैक्स के लिए इक्वेशन यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होल डिवाइडेड बाय, अब टी स्क्वेयर की वैल्यू ये है यहाँ पर 4u square sin square theta डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर. राइट, नो इट इज इक्वल टू, अब देखिए यू स्क्वेयर साइन ओके 2 into, अब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रेंज के लिए कितनी लेनी, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी into, अब ये जी स्क्वेयर मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4u square sin square थीटा मतलब 45 डिग्री. ओके तो देखिए यू स्क्वेयर कैंसिल, जी एक स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर मैक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब 2 into 45 तो ये कितना होगा साइन 90 डिग्री, बराबर है, इंटू यहाँ पर जी बचा है एक, डिवाइडेड बाय 4 into sin square 45. अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होती है, उसका स्क्वेयर क्या होगा, फिर उसका स्क्वेयर होगा 1/2. ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर सिंप्लीफाई इस तरह से होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 into, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4.9 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 2 से अगर डिवाइड करते तो 4.9 आएगा. राइट, तो आर मैक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, अब ये आंसर है क्या, 4.9:1 ये आंसर तो नहीं है, लेकिन 49:10 है, इसका मतलब अगर ये डेसिमल पॉइंट हम एक डिजिट से राइट की तरफ शिफ्ट करते तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, सो 49/10 यस ये आंसर है, एंड दिस इज ऑप्शन बी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, एंड एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ 720 km/h ड्रॉप्स अ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 396.9 meters. The time taken by the food packet to reach the ground and its
हॉरिजेंटल रेंज इज, और जी की वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एरोप्लेन है मूविंग विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी और उसकी हाइट दी है ना। देखिए ये एरोप्लेन है एंड इज मूविंग विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ओके, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दी है 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी। सो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसका मतलब हम यूएक्स इसको लिखेंगे, ये यूएक्स की वैल्यू है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, राइट। नाउ अब यहाँ पर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ओके इसकी हाइट दी है, तो ये हाइट कितनी यहाँ पर h इज इक्वल टू 396.9 मीटर। चलिए ये मीटर में है लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें 720 इंटू 5/18 है ना, तो 18 × 4 = 72, तो ये होगा 200 मीटर पर सेकंड। सपोज एरोप्लेन यहाँ इस पोजीशन पर है, हाइट दी है, ओके, तो यहाँ से अगर हम मतलब इसके अंदर जो फूड पैकेट्स है उसको भी स्पीड उतनी मिली होगी जितने ये एरोप्लेन की, तो जब इस पॉइंट पर अगर फूड पैकेट यहाँ से ड्रॉप कर देते तो ये सीधा नीचे नहीं आएगा, दैट मूव्स अलोंग दिस पैराबोलिक पाथ, और बाद में यहाँ आकर गिरेगा ये फूड पैकेट है ना, ये फॉलो करेगा वो, राइट। तो देखिए हाइट दी यहाँ पर, तो हमें ये हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है, लेट दिस इज आर, मतलब ये आर की वैल्यू भी निकालनी है, और उसके साथ साथ पहले क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड। देखिए हाइट पता है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम कितना लगता है, तो स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है। देखिए व्हेन फूड पैकेट इज जस्ट ड्रॉप्ड, नाउ इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पास होता है ऐसे, तो इसको टाइम जितना लगता है उतना ही टाइम व्हेन इट मूव्स अलोंग दिस कर्व पाथ सेम टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये टाइम अगर हमें पता चलता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है 200 मीटर पर सेकंड, तो हम रेंज निकाल सकते हैं, मतलब रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम कैसे निकालना है, देखिए टाइम और हाइट के बीच रिलेशन है, एक क्या रिलेशन बताए, दैट इज टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाय जी, ये फॉर्मूला है अगर हाइट पता है हमें। ओके, देखिए अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है लाइक दिस, ओके, और इट इज़ मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी सो दैट इट मूव्स अलोंग दिस कर्व पाथ, तो दोनों के लिए टाइम सेम लगता है, बिकॉज दोनों मोशन यहाँ पर क्या होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, तो रूट टू इंटू, अब एच की वैल्यू 396.9 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 793.8 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, नाउ दिस इज रूट, अब 9.8 से डिवाइड अगर इसके साथ करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर 81, तो 81 मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा 9, तो टी की वैल्यू आती है 9 सेकंड, इस तरह से ये 9 सेकंड आती है, ठीक है। अब हमें टाइम पता चल गया और स्पीड भी पता है ना कितनी 200 मीटर पर सेकंड, तो ये रेंज हम निकाल सकते हैं, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जहाँ पर ये एरोप्लेन से ये फूड पैकेट ड्रॉप हुआ है वो पोजिशन, और जहाँ पर ये आकर के गिरता है, ओके, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इंटू टाइम। ओके अभी हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है, आर इज इक्वल टू स्पीड कितनी, हॉरिजेंटल स्पीड दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में 200। ओके इंटू टाइम 9 सेकंड, राइट। तो ये ऐसे होगा यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स की वैल्यू 200 और टी की वैल्यू 9 सेकंड, सो दिस इज इक्वल टू 1800 मीटर। ओके ये आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, यस डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 9 सेकंड और 1800 मीटर, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड द रेंज ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली, और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। देखिए बॉडी प्रोजेक्ट किया हमने फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी कैसे दी है, देखिए वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में दिया है, वी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 10j कैप, ओके दिस इज मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। नो अब हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब वेक्टर वी इज इक्वल टू दिस इज वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर जे कैप, है ना। तो वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 3 मीटर पर सेकंड, और वी वाई मतलब 10 मीटर पर सेकंड, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आई का कोएफिशिएंट 3 है और जे का कोएफिशिएंट वी वाई, तो यहाँ पर 10, वी वाई की वैल्यू 10। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा, राइट। एंड वर्टिकल कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज यू साइन थीटा, तो ये यू कॉस थीटा की वैल्यू 3 है और यू साइन थीटा की वैल्यू 10, ये इतना समझ लीजिए आप, है ना। अब ये इस वेलोसिटी के साथ अगर हम प्रोजेक्ट अप करते इसको, राइट, तो ये हाइट यहाँ पर पूछी है एंड रेंज भी यहाँ पर निकालनी है, दोनों वैल्यूज निकालनी है, ऐसे है ना, यस। तो पहले हाइट के लिए क्या फार्मूला होता है, एच इज इक्वल टू यस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये फार्मूला होता है। तो एच इज इक्वल टू, अब यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा मतलब u साइन थीटा का स्क्वेयर होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे हम u साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वेयर, ओके डिवाइडेड बाय 2g, तो h इज इक्वल टू, अब u साइन थीटा मतलब 10 का स्क्वेयर कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब यहाँ पर g की वैल्यू कितनी बताई है, g की वैल्यू लेनी है 10 हमें, तो ये कितना आएगा 10 बाय 2, बिकॉज 0 0 कैंसिल है ना, तो ये आएगा 5 मीटर, तो हाइट आ जाती है 5 मीटर, राइट। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये वाला फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, बिकॉज यहाँ पर साइन 2 थीटा है और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ u sin थीटा की वैल्यू पता है और u cos थीटा की वैल्यू पता है, तो दूसरा तरीका यहाँ पर कौन सा होगा, ओके तो हॉरिजेंटल रेंज निकालनी, मतलब r इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ओके इनटू टाइम, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दिस टोटल टाइम इज नथिंग बट कैपिटल टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो R इज इक्वल टू, अब वी एक्स का मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी, अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर u cos थीटा, ओके और t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। यस, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास अब u cos थीटा और u sin थीटा दोनों की वैल्यू है ना, तो u cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 इंटू 2, ओके, u sin थीटा की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, तो ये 10 10 कैंसिल, सो r इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 मीटर। तो देखिए यश कितना आता है यहाँ पर, 5 मीटर, और आर 6 मीटर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? यस, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, कैपिटल टी की वैल्यू 10 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसके बाद रेंज मतलब आर, इसकी वैल्यू कितनी, 500 मीटर, और हमें हाइट निकालनी है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल है ना ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, 10। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। तो इसका यहाँ पर कैसे यूज हो सकता है देखिए, तो यहाँ पर हम अगर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं तो इसे u sin थीटा की वैल्यू हमें मिल सकती है। यस, तो देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू कितना, 10 सेकंड दिया है ना, इज इक्वल टू 10, तो पहले देखिए 2u sin थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू g, तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 10g डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 5 होगा, और g की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं ना, तो u sin थीटा इसकी वैल्यू आ गई देखिए 50। ओके, वैल्यू कितनी आ गई, 50 u sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हमें आर पता है, यश निकालना है। अब अगर यश निकालना है हमें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यश का, यश इज इक्वल टू u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसका मतलब u sin थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो u sin थीटा की वैल्यू आ गई 50, तो इसका स्क्वायर लेंगे अपॉन 2 इंटू 10, राइट। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 डिवाइडेड बाय कितना, 20, तो 0 0 कैंसिल, तो ये होगा यहाँ पर 125 मीटर हाइट, 125 मीटर हाइट, राइट। तो ये ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, मतलब यहाँ पर रेंज जो दी है, ओके, इसका यहाँ पर तो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन देखिए 125 का 4 टाइम्स है, ये 125 का 4 टाइम्स है, मतलब ये मैक्सिमम रेंज होगी, ये होगी मैक्सिमम रेंज, क्यों, बिकॉज मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स यच होता है ना, तो यच इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4। अगर हम आर मैक्स लेते, ये ऐसा दिया नहीं यहाँ पर, लेकिन ये रिलेशन तो यहाँ पर प्रूव होता है ना कि हाइट 125 मीटर है और आर की वैल्यू 500, तो उससे 4 गुना ज़्यादा है ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा, 125 मीटर, तो ऑप्शन ए आ रहा ना। यस, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिया है कि आर मैक्स है, नहीं तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट्स दिया है तो उससे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आर मैक्स दिया है तो डायरेक्ट हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, फॉर प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वेयर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज, अ
और जी की वैल्यू 10। देखिए ये फॉर्मूला मतलब ये न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसा है ना, वहाँ पर हमने आर मैक्स अपॉन टी स्क्वेयर लिया था, और यहाँ पर क्या लेना है, मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मतलब एच बाय टी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालनी हमें राइट, और जी की वैल्यू कितनी दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो सिंपल उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एच बाय टी स्क्वेयर, तो एच का फॉर्मूला लिखते हैं यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये फॉर्मूला ना डिवाइडेड बाय, अब टी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं यू मतलब 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी और ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके अब इसका रिसिप्रोकल को कर लेंगे हम, जी स्क्वेयर इधर ऊपर आ जाएगा, इसे जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4u² sin² θ। देखिए यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल, जी स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और यहाँ पर 2 × 4, तो ये 10/8 दैट इज़ 5/4, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है स्टूडेंट, ऑप्शन आ जाता है ए। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकंड, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी अबाउट। देखिए सिंपल न्यूमेरिकली, सपोज यहाँ पर एक प्लेयर है, यहाँ पर एक प्लेयर है ओके, और कुछ दूरी पर एक दूसरा प्लेयर है, यहाँ पर प्लेयर ए प्लेयर बी। सपोज प्लेयर ए ने यहाँ पर ऐसे बॉल लॉन्च किया है ओके, और दैट रीचेस टू द सेकंड प्लेयर, तो ये दोनों एक ही लेवल पर है ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। अब यहाँ पर टाइम दिया है शायद, है ना, तो अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है 2 सेकंड राइट। निकालना क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट, सपोज यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये एच निकालना है यहाँ पर, तो एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये फॉर्मूला ना। अब यहाँ पर यू की वैल्यू नहीं दिए, साइन थीटा थीटा की भी वैल्यू नहीं दिए, तो लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर दिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस तरह का न्यूमेरिकल अभी हमने सॉल्व किया है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ डिवाइडेड बाय g बराबर है, ये फॉर्मूला था, और ये कितना दिया है 2 सेकंड, तो इससे हम u sin θ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो u sin θ इज इक्वल टू g बिकॉज ये 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, u sin θ की वैल्यू 10 आ जाती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं हम। देखिए u sin θ ब्रैकेट का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g बराबर है, तो इसका स्क्वेयर कर लेते हैं तो u² sin² θ ये आएगा ना, तो यहाँ पर अब 10 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 × 10, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 × 10 ओके, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 5 मीटर। यस मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। देखिए यही न्यूमेरिकल था शायद, है ना, तो यहाँ पर सेपरेटली इसको दिया है ऐसे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, 2 bodies आर थ्रोन अप एट एंगल्स ऑफ 45° एंड 60° रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजेंटल, इफ बोथ बॉडीज अटेंड द सेम वर्टिकल हाइट देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी विथ विच दीज आर थ्रोन इज। देखिए यहाँ पर दो एंगल से एक ही ऑब्जेक्ट है वहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, तो पहले एंगल्स लिख लेते हैं हम, थीटा वन कितना दिया है 45° और थीटा टू की वैल्यू है 60°, ठीक है, तो देखिए ग्राफिक से हम इसको समझ लेने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये पहला ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो 45° से लॉन्च किया है ओके, तो इसकी वेलोसिटी होगी u1, इसकी वेलोसिटी होगी u1 ओके। अब दूसरा
प्रोजेक्टाइल है, ओके, तो एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 45 से ज़्यादा होगा ना, ये 60 डिग्री। लेकिन देखिए यहाँ पर ये ऐसे आके यहाँ पर गिरता है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी, ओके, तो लेट यहाँ पर वेलोसिटी होगी u2, इसकी वेलोसिटी होती है u2, ओके। जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल है 45 डिग्री से लॉन्च किया है, उसकी हाइट लेट इट इज h1, हाइट h1। और सेकंड टाइम जो हमने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, ओके, तो उसकी भी हाइट यहाँ पर h2, तो ये दोनों हाइट यहाँ पर सेम दी है, यही कंडीशन है ना। देखिए इफ बोथ बॉडीज अटेंड द सेम वर्टिकल हाइट, यस, मतलब यहाँ पर h2 एंड h1 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दी है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी विथ विच दीज आर थ्रोन, मतलब u1 और u2, तो u1 बाय u2 यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, h1 इज इक्वल टू h2, तो जनरल फार्मूला हमें पता है h इज इक्वल टू क्या होता है, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं u² sin² थीटा अपॉन 2g, तो u1 और ये θ1 होगा। उसी तरह से h2 के लिए इक्वेशंस क्या होंगे, यहाँ पर u² sin² थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2g ये तो कैंसिल हो जाएगा, u1 square इधर आने के बाद u2 square इज इक्वल टू sin² अब थीटा टू की वैल्यू है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय sin² θ1 की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर लेना होगा ना, डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं, √3 का स्क्वायर होता है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। देखिए u1 square by u2 square इज इक्वल 3/4 × 2/1 होगा, तो ये होगा 3/2। देयरफॉर u1 by u2 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, राइट स्टूडेंट।